हकीकी आज़ादी की जंग का शहीद अरशद शरीफ बेबाक सहाफ़ी का जज्द खाकी दोहा से इस्लामाबाद पहुँचा दिया गया। एयरपोर्ट से अस्पताल के सर्दखाने मुंतकिल अहल खाना से इजहार यकजहती के लिए सारे रास्ते सैकड़ों अफराद का खराज अकीदत एम्बुलेंस पर गुलपाशी इनकलाब के नारे जज्बाती मनाजिर बोल फैमिली अपने काबिल फ़ख्र रुकन से महरूमी पर गमजदा हर आँख अश्कबार। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए तीन रुकनी टीम तश्कील नमाज जनाजा कल फैसल मस्जिद में 2 बजे होगी। तस्फीन H11 कब्रिस्तान में होगी। अरशद शरीफ के लिए आवाज़ उठाएं। शहीद की बेवा जवेरिया सिद्दीकी की आवाम से अपील। केनिया के सहाफ़ियों ने कत्ल का बताया, कहा आवाज़ ना उठाई तो फिर सबकी बारी आएगी, घर के बच्चों की तस्वीर इस्तेमाल ना करें। अरशद शरीफ की शहादत की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर टीम की तश्कील वजारत दाखिला की टीम में डायरेक्टर FIA अथर वहीद डेप्टी डायरेक्टर उमर शाहिद हमीद ISI के लेफ्टिनेंट कर्नल साद अहमद शामिल जल्द कीनिया तहकीकात के लिए रवाना होगी। कीनिया की पुलिस की कत्ल कहानी कई सवाल छोड़ गई। पुलिस रिपोर्ट में एक किरदार खुर्रम अहमद मंजर से गायब क्यों? कीनिया के मीडिया में किसी वकार अहमद का जिक्र आया, वो भी अब तक सामने नहीं आया। अक्वामे मुत्तहदा ने बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल का नोटिस ले लिया। केनियन हुकूमत से रिपोर्ट तलब, गैर जानबदाराना तहकीकात और रिपोर्ट फौरी तौर पर शेयर करने का मुतालबा कर दिया। 72 घंटे हो गए जियोनी के साहिल पर पहाड़ी तोदे तले दबे अफराद की तलाश जारी। पानी की बुलंद सतह की वजह से ऑपरेशन में मुश्किल, 7 साल बच्चे की लाश निकाल ली गई, 2 अफराद जख्मी हुए थे। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जुमे को लिबर्टी चौक से आगाज़ होगा। कप्तान आज लाहौर और सियालकोट में मार्च की सफबंदी करेंगे। लाहौर में मुख्तलिफ पार्टी इजलासों की सदारत करेंगे। दोपहर को सियालकोट जाएंगे, पार्टी रहनुमाओं के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी जुबैदा अस्पताल के करीब डकैती मजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक दूसरा जख्मी। और T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों का दूसरा टाकरा, कौमी टीम के पर्थ में डेरे पाक जिम्बाब्वे मैच कल खेला जाएगा। सेमीफाइनल तक बासानी रसाई के लिए हर मैच जीतना लाजमी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा, अहम खबर है, बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।